माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो बनाई, उस योजना में 10 लाख की जो घोषणा की है प्रत्येक मरीज के लिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्रियान्वति हो रही है या नहीं हो रही है क्षेत्र से पता लगाना चाहिए। मरीज जहाँ जाते हैं उस अस्पताल में उसको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, तो फिर ये सरकार का लाभ का क्या औचित्य है? इसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, इसकी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित इसकी जांच भी होनी चाहिए। साथ में खाने पीने की चीज़ों में इस प्रकार की मिलावट हो रही है, पहले तेल जो है खाने का वो टैंकरों के अंदर आता था, और अब खाने का डंपर के अंदर और ट्रैक्टरों के अंदर, जिसकी गुड़ की भेलियाँ जो होती है उस रूप में आता है, और बॉयलरों के अंदर गर्म होकर के वो तेल छोटी पैकिंग में और बड़ी पैकिंग में होकर के और बाज़ार में बिकता है और आप और हम खाते हैं। इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, ऐसी जांच अधिकारी भी उसको जांच में पकड़ते हैं, लेकिन आपस में जांच अधिकारी भी वही होते हैं, उसका क्या नतीजा होता है? ढाक का तीन पात रूप में पैसे का लेन देन होकर के एक भी ऐसे अपराधी के ऊपर कोई सजा नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है, इस प्रकार राजस्थान की जनता को बचानी है तो चिरंजीवी योजना से नहीं बचेगी, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। खाद्य सामग्री के अंदर चाहे मिलावटी मसाले हो, चाहे तेल हो, चाहे जिस प्रकार का नकली शराब बन रही है, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, इसके ऊपर विदेशी मार्का का शराब यहाँ बना करके बेच रहे हैं, आपके अधिकारी पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है? सभापति महोदय, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। मेरी मांग है ऐसे कानून बने खाद्य सामग्री के ऊपर, जो भी इस प्रकार के मिलावट करके बेच रहा है उसके ऊपर फांसी की सजा का कानून बनना चाहिए। सरकार, अब हम किसी मंत्री से पूछेंगे कि आपके टाइम में कितने केस हुए, तो वह जवाब मंत्री देने से पहले मैं बताता हूँ, वो मंत्री यही जवाब देगा, आप ज़्यादा बोलते हो, आपकी सरकार की टाइम में कितने हुए थे, यही बात बोल करके वो हमें इस सदन को संतुष्ट करता है। मेरी मांग है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कोई भी हो अपराधी इस प्रकार का काम करे उसके ऊपर फांसी की सजा का कानून बनना चाहिए, ताकि अधिकारी कोई पकड़े उस अपराधी को तभी भी कम से कम बच सके। खाली चिरंजीवी योजना से हम इस जनता को बचा लेंगे ऐसा संभव नहीं है, कुछ उसके साथ में कानून भी आप सकता ही मिला। साथ में आज जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, उस अपराधों में चाहे वो गैंग रेप का हो, चाहे किसी प्रकार के भ्रष्टाचारी का हो, ऐसी भी इतने केसों को पकड़ती है, कौन से आदमी को इस प्रकार के राजस्थान में एक बताएं उसको फांसी की सजा हुई है? इतने संगीन केस, नाबालिगों के साथ में बलात्कारी पकड़े जाते हैं, इसके लिए कानून बनना चाहिए। आप और हम एक दूसरे का आंकड़ा बता देते हैं, आपकी सरकार में इतने कैसे हुए, आप कैसे सहन कर रहे हो, जदयू के हाँ हमारे थोड़े कम हुए हैं, इतना तो हमने प्रयास किया है, ये प्रयास नहीं, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए सभापति महोदय, ताकि किसी भी नाबालिग के साथ में इस प्रकार की घटना अपराधी हो। आप ये सोचें राजस्थान में किसी आपकी बेटी के ऊपर कहीं अगर हुआ होगा तो आपको क्या गुजरेगी आपके मन में? तलवार हाथ में नहीं होगी, नहीं तो सामने वाला ही गर्दन उड़ा दे, ऐसा आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपके परिवार की सदस्य है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार के उस जनता ने आपको चुन करके यहाँ भेजा है, आपको मंत्री बनाया है, तो इसकी उनकी रक्षा के लिए भी बनाया है, आपको कानून बनाना चाहिए। राजस्थान में कोई भी नाबालिग के साथ में या और किस प्रकार के ऐसे रेप होते हैं उसके ऊपर फांसी या कानून बनना चाहिए, तब जाकर के इस हाउस में आना हमारा सार्थक होता है, अन्यथा हम एक दूसरे को पक्ष और विपक्ष को आंकड़ा बता करके हम इस सदन को संतुष्ट करते हैं, वो गलत है। मेरा निवेदन है सरकार से कि इसे सख्ताई का कानून बनना चाहिए, तभी जाकर के जनता के अंदर वाहवाही होगी। आप खाली किसी प्रकार का कर्मचारियों को इतना फायदा दे दिया, दूसरे दे दिया, आप इसके ऊपर संगीन करिए। आज जिस प्रकार के मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी केस ऐसे बताए हैं, जिस प्रकार भ्रष्टाचारियों को देख लो, अब कानून के अंदर नहीं होने की वजह से
एक मैं अजमेर जिले का एक केस बताता हूँ। पुलिस ने अपनी जीप में उस अपराधी को पकड़ने के लिए 60 केस है और 1,48,000 का उसके ऊपर डीजल खर्च हुआ है, सिर्फ डीजल खर्च। और उसमें स्टाफ कितना लगा होगा, सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन वो अपराधी को 6 महीने के बाद में उसको पकड़ती है सरकार और पुलिस पकड़ के लाती है और कोर्ट में पेश करती है और 15 मिनट के अंदर सभापति महोदय उसकी बेल हो जाती है। वहाँ की पुलिस अधिकारी मेरे से भी मिले, उन्होंने कहा MLA साहब कौन सा कानून है, कानून आपकी सरकार बनाती है, आप भी उस सदन के सदस्य हैं, तो कानून वो होना चाहिए कि इस सरकार के इतने पैसे जो खराब हुए हैं एक अपराधी को पकड़ने के लिए, और ऐसी सेटिंग होती है कोर्टों में भी, कोर्ट में 15 मिनट के अंदर उसकी बेल हो जाती है। आपको कानून बनाना पड़ेगा, आप सख्ताई के कानून बनाएंगे जिसके ऊपर इस प्रकार के अपराध करने के 60 केस दर्ज है, इतने पैसे हैं, इतने पैसे सरकार के खर्च हुए हैं। 2 मिनट में समाप्त करिए प्लीज। तो अगर उनके सभापति महोदय, अभी 2 मिनट में बात कहने वाला हूँ मैं, 4-5 मेरे और मुद्दे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है इसके ऊपर कानून बनना चाहिए ताकि अपराधी किसी अपराध को करने से थोड़ा हिचकिचाए। साथ में आज पेपर का देखा है आप, ये गैंगे पनप रही है, ये मैं समझता हूँ पुलिस की मिलीभगत के बगैर कोई गैंग पनप नहीं सकती है। पुलिस की मिलीभगत के अंदर पुलिस के सामने ऐसे गैंग के लोग अपनी रैलियाँ अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं और सरकार उनको परमिशन देती है। मेरा सभापति महोदय सरकार से निवेदन है कि क्षेत्र कोई भी हो उसके अंदर ऐसे परमिशन देने वाले अधिकारी के ऊपर भी आपको प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि आपने किस हैसियत से परमिशन दी है, उसकी जांच करनी चाहिए कि शंकर सिंह परमिशन ले रहा है तो ये किस प्रवृत्ति का आदमी है, ये किसी गैंगों से मिला हुआ है क्या। इस प्रकार के अधिकारियों को भी आप पाबंद करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। साथ में कानून व्यवस्था के लिए बहुत कुछ बोलना था, एक आज का पेपर में जिस प्रकार की पाकिस्तान के अंदर घटना घटी है पेशावर के अंदर, ये 59 लोग मरे गए और 157 जो उनके जख्मी हैं, ये पाकिस्तान नहीं पाले थे, वो का वो हाल अगर राजस्थान की सरकार ऐसे माफियाओं को और इस प्रकार का पनप रही है, ये आपके ऊपर डसने वाले हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कानून को सख्त बनाए। साथ में सभापति महोदय बहुत कुछ मुझे बोलना था लेकिन किसी सारे पॉइंट को टच नहीं पा रहा हूँ, टच नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी भी मांग है कि सरकार सख्ताई के कानून बनाए और राजस्थान की जनता को सुखी करें। साथ में एक ब्यावर जिला जो जिस प्रकार की घोषणा हो रही है, राजस्थान का 13वां नंबर का बड़ा शहर है और वहाँ की जनसंख्या का आंकड़ा देख लीजिए, अगर कोई भी राजस्थान में जिला बनता है तो 1 नंबर के अंदर, पहले वाली रिपोर्ट भी मेरे पास में है। परमेश चंद कमेटी का गठन भी इस सरकार ने किया था और उनके आंकड़े भी मेरे पास में, अगर कहीं गलत घोषणा से ब्यावर का नाम वंचित किया गया तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पहली रिपोर्ट के आधार पर उस नए को ऊपर स्टे लेना पड़ेगा, इसलिए ब्यावर का नाम उसमें आए ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।